मैं ये अभी बताने जा रहा हूँ कि शुगर की बीमारी जो है फैमिली में कैसे रन करती है और फैमिली हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। ये देखा गया है कि जिनके फैमिली में हर्ट और शुगर की समस्याएं होती हैं तो उसमें ऑफस्प्रिंग में सिबलिंग में डायबिटीज के गुण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अराउंड 30-35% केसेज में देखा गया है कि पेरेंट्स अगर डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कोमॉर्बिडिटी हर्ट प्रॉब्लम हो तो सिबलिंग तक भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अति आवश्यक रूप से ये हो जाता है कि हर परिवार मेंबर को ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि शुगर अपने कंट्रोल रखें। अगर हम अपने से कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है आप इस स्ट्रीम में हम उसको ट्रांसमिट ना करें, फिर तो उसका जो जेनेटिक रीजन होता है, जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है वो फैमिली में ट्रांसफ़र होता है। तो जब उसके कुछ भी गुण दिखे बच्चों में आने वाले जनरेशन में उसको स्क्रीन किया जाए और उसको देखा जाए और अगर जो शुगर की बीमारी की समस्या रहने लगती है तो उसका भी निदान किया जाए। मैं इस बात पे बताने जा रहा हूँ डायबिटीज एंड वुमेन हेल्थ। इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात चल रही है, उनके स्वास्थ्य को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी आती है तो उस वक्त कई बार शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ठीक से डायग्नोज कर न किया जाए जिसके शुगर के लेवल अलग होते हैं नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल फीमेल से, तो फिर बच्चे में भी शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली जो फीटल एबनॉर्मेलिटी होती है उसको फीटल माइक्रोसोमिया कहते हैं, बेबी की साइज बढ़ जाती है और डिलीवरी में समस्याएं आती हैं। तो ये अति आवश्यक है कि माँ का शुगर कंट्रोल रखा जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद भी शुगर कंटिन्यू रहे, शुगर नहीं भी हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद, माँ ठीक भी हो सकती है जेस्टेशनल डायबिटीज, लेकिन ड्यूरिंग जेस्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर को आवश्यक रूप से उसकी जो स्पेशली दवा है वह इंसुलिन है या कुछ दवाइयाँ मेटफॉर्मिन जैसी भी चीज़ें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में कई बार दी जाती है, लेकिन इंसुलिन मूलतः सेफ है और प्रेगनेंसी में राउंड द क्लॉक शुगर को कंट्रोल रखना अति आवश्यक होता है जिससे बेबी के कॉम्प्लिकेशन को रोका जाए और माँ के शरीर पे जो कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से होने वाले हैं उससे भी बचा जा सकता है। मैं ये बताने जा रहा हूँ व्हाट अबाउट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन डायबिटीज। आई थिंक दिस इज अ वेरी कोर थिंग्स एंड नीड टू डिस्कस, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइन है अगर जो ये देखा जाता है कि ब्लड शुगर इम्पेयर्ड है, फास्टिंग पीपी कुछ भी इम्पेयर्ड है, तो शुरुआती इसी से होती है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कह तो देना आसान है लेकिन करना क्या है ये बड़ी जरूरी है। इसमें से रेगुलर रूप से स्विमिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज को एडॉप्ट करना और साथ में अपने खान पान को संतुलित आहार में बदलना, इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को कम करना, फैट को कम करना और फाइबर रिच डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल को बढ़ाना, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा जो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है हम लोगों की आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की, उससे बचना अति आवश्यक है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन द फर्स्ट की फैक्टर इन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। और अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारा शुगर नहीं कंट्रोल होता है, HbA1c की वैल्यू बढ़ी रहती है, फास्टिंग पीपी बढ़ी रहती है, तब हम फर्स्ट लाइन थेरेप्यूटिक ऑप्शन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके की दवाइयाँ हैं जिसमें यूजुअली सारी गाइडलाइंस में मेटफॉर्मिन को रिकमेंड किया गया है, लेकिन अगर जो शुगर शुरुआती दौर का है और हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं तो ये मेरा रिकमेंडेशन है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान रखें और उसको ठीक किया जाए।